सो इस वक्त मैं हूँ पेट्रा जॉर्डन में, जो मानी जाती है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, इनफैक्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा भी है ना। मैंने तो सोचा नहीं था कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे आऊंगा, लेकिन आ ही गया फाइनली, है ना। मुंबई, ओह वी ऑल्सो लव इजराइल। हाँ किधर है? इधर ही है अपन। नहीं नो 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 थैंक यू, नो 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 इट्स ओके थैंक यू सो मच। या 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 आई विल गो देयर, आई नो। सुबह सुबह उठ के आपके हॉस्टल की गैलरी से अगर ऐसा व्यू मिले तो उसका मज़ा अलग ही है, नहीं? हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए स्पेशल वीडियो में, जॉर्डन सीरीज़ के। स्पेशल इसलिए बिकॉज आज जो हम अनुभव करने वाले, जो हम एक्सपीरियंस करने वाले, आज जो हम जगह जाने वाले हैं ना, वो भी बहुत स्पेशल है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक दावेदार, एक हिस्सा, आई मीन पेट्रा, आज हम वो कवर करने वाले। तो मेरे को बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है, क्योंकि हमेशा से फोटो देखते आया हूँ और ऐसी सब चीज़ें जैसे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वगैरह, जब जाने का मौका मिलता है तो खुशी तो होती है ना। ताजमहल आगरा जा चुका हूँ मैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जा चुका हूँ, और अब ये पेट्रा तीसरा होने वाला है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से, तो मेरे को बहुत ही खुशी है। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्रायण, वडक्कम। सो वो मेरी हॉस्टल की स्ट्रीट है, जहाँ पे वो बिल्डिंग के नीचे ही मेरा हॉस्टल है। यहाँ पे 7 स्पाइस इंडियन रेस्टोरेंट है और इस तरफ है डबल ट्री बाय हिल्टन होटल, जो कि अकाबा का वन ऑफ द मेन होटल है। इनफैक्ट कोई भी टैक्सी वाले को या फिर किधर भी आप कुछ भी पूछ लो, ये पिकअप ड्रॉप के लिए बेस्ट माना जाता है, जिसके वजह से मैंने भी इसके आसपास ही हॉस्टल लेना प्रेफर किया था। बीच वगैरह तो नज़दीक है ही, सिटी सेंटर है ही है। एनीवेज, आज का भी जो हमारा पेट्रा टूर है ना, वो ग्रुप टूर है, जिसके वजह से मेरा जो पिकअप ड्रॉप है इस टूर का, वो भी यही से है, तो इसीलिए मैं इधर आया हूँ। एनीवेज, खुद से भी आप पेट्रा जा सकते हो, नो मैटर आप अमान रुके हो, नो मैटर आप यहाँ पे अकाबा में रुके हो, फिर भी यहाँ से पब्लिक बसेस जाती है 5 डिनार में और पहुँचा देती है आपको पेट्रा। फिर वहाँ से 50 डिनार की टिकट रहती है। जो भी रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिकर नॉट वरी नॉट। अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरे हिसाब से वैन आ गया, बिकॉज अब बजे है 8:50 और 9 बजे का मेरे को टाइम दिया गया था कि 9 बजे आ जाना होटल के नीचे। प्रतीक जी, प्रतीक जी, करेक्ट, ओके। वैसे तो पेट्रा का रास्ता अकाबा से 2.5 घंटे के ड्राइव पर है, वादी मूसा करके नाम है जगह का, जहाँ पे वो पेट्रा है बेसिकली। लेकिन हम 15-20 मिनट की राइड करके आ चुके हैं बॉर्डर पे। जी हाँ, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। एक फ़ायदा बहुत जोरदार होता है जब भी आप ग्रुप टूर करते हो, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने आपको मिल जाती है, जैसे कि हमको पिकअप करना है 7 इजरायलियों का, ताकि कि हम उनके साथ फिर जा सके, ये ग्रुप टूर कंटिन्यू कर सके पेट्रा की तरफ। तो वेट कर रहे 10 मिनट में वो बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले हैं। तो ये एक चीज़ मेरे को देखने मिल गई, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे आने का मौका मिल गया। मैंने तो सोचा नहीं था कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे आऊँगा, लेकिन आ ही गया फाइनली, है ना। अच्छा, एक मज़े की बात भी ये बता देता हूँ कि इजराइल वालों के लिए बहुत आसान है जॉर्डन आना, मतलब उनको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रारी की बात करें तो भाई साहब, जॉर्डन पासपोर्ट होल्डर्स वालों को इजराइल जाने में बहुत दिक्कत होती है। आई मीन एक महीना तो उनको वीज़ा मिलने के लिए लग जाता है, मतलब इतना दिक्कत होता है। तो 1 घंटे की और राइड बाकी है टुवर्ड्स पेट्रा, और लेकिन यहाँ पे रोका गया है हमें, बिकॉज यहाँ पे है यर द बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड। अभी आधा सच है आधा झूठ है, आई मीन ठीक है, बहुत बढ़िया सा व्यू है, यहाँ से पेट्रा देख सकते हो आप इनफैक्ट। और इस वक्त हम है 1600 मीटर अबाव सी लेवल। बहुत तेज़ हवा आ रही है और बहुत खूबसूरत सा माहौल लग रहा है, एकदम ठंड सा लग रहा है। और आज क्लाइमेट भी हमारे साथ है बिकॉज गाइड भी यही बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, क्लाइमेट साथ दे रहा है। बिकॉज समर्स के टाइम में तो 45 डिग्री 50 डिग्री चला जाता है, बहुत गर्मी होती है। हालांकि अक्टूबर महीना है तो अभी तो बेस्ट मंथ होता है जॉर्डन विजिट के लिए। एनीवेज बहुत ही शानदार सा व्यू है, नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड बट हाँ शानदार है आप कह सकते हो। बाय द वे जो हमारे को पैसेंजर है ये इसराइल से है। यू फ्रॉम इसराइल राइट? आई फ्रॉम इंडिया, मुंबई। ओह वी ऑल्सो लव इसराइल। हाँ किधर है? इधर ही है अपन। तुम किधर है? और ये जो कपल है ये रशिया से है। ये पोटैटो चिप्स लिया और ये अमेरिकानो कॉफ़ी लिया है। ठीक है, कॉफ़ी वाले ने बोला भाई इसका 2 दिरहम है, इसका कुछ रेट नहीं बोला, बोला कि कैशियर के इधर जाओगे आपको पता चल जाएगा। कैशियर के इधर गया तो बोलता है कि 6 दिरहम्स टोटल। मैंने बोला क्या ये 4 दिरहम का है? बोला नहीं ये 3 दिरहम का है। मैं बोला तो फिर ये? बोला कि ये भी 3 दिरहम है। बोला वो तो बोल रहा था 2 दिरहम है। तो बोला ठीक है चलो 5 दिरहम दे दो तुम। क्या लूट है, 5 दिरहम मतलब 550-600 रुपया लग गए मेरे ये चिप्स के और ये कॉफ़ी के। बताओ यार काय का ये बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड है। क्या चौथी पत्नी लूट लिया मेरे को, किंग हुसैन की चौथी पत्नी ने। चलो कोई नहीं। सो गाइज ये हमने फाइनली एंट्री कर दी है पेट्रा में। और इनफैक्ट हमारा जो ग्रुप टूर जो भी था हमको टिकट भी पकड़ा दिया सबको। 50 जॉर्डेनियन दिनार की इसकी एंट्री प्राइस है। सो अभी आप आगे अनुभव करने वाले हो पेट्रा, पेट्रा की हिस्ट्री वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप भी कैसे ट्रैवल कर सकते हो। मेरा जो ग्रुप टूर है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट होगी। हाय हाय हाय। शुरुआत में देख लो घोड़े वोड़े आपको खच्चर सब मिलेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे भी टूरिस्ट कैंप बहुत होता है। नो नो थैंक यू। तो यहाँ पे भी सब वही सीन चलता है। जैसे इजिप्ट में मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन मैंने वीडियो वगैरह बहुत देखे कि भैया परेशान कर लेते टूर गाइड वगैरह। ये देखो ये आ गए भाई। नहीं नो 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 थैंक यू नो 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 इट्स ओके इट्स ओके थैंक यू सो मच। बाय वॉक हियर, बाय वॉक हियर। या 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 आई विल गो देयर आई नो। गो देयर बाय वॉकिंग। नो 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 आई एम विद द ग्रुप टूर थैंक यू। तो इधर भी वही हाल है जैसे कि बड़े बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में होता है। हालांकि अपने को सतर्क रहने का, ऐसा कुछ नहीं कि आप सतर्क रहोगे तो आप फिर भी स्कैम हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सतर्क रहोगे तो क्या ही दिक्कत है। एनीवेज बोला गया था कि अगर मेरे साथ चलना है, जो गाइड है ना उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, लेकिन ट्रेजरी तक ही जाएंगे हम क्योंकि लेट होगा, मैं स्लो चलूँगा। जिसको भी आना मेरे साथ आ जाओ, ट्रेजरी तक आएंगे फिर वापस बैक टू चले जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं यार मेरे को ट्रेजरी के आगे तक जाना है, तो मैं तो निकल पड़ा हूँ आगे। और अगर आप चल नहीं सकते हो तो ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कार गो कार्ट आप बोल सकते हो अवेलेबल होती है। $40 दोनों तरफा, ठीक है, ट्रेजरी तक लेके जाएगा। अब ट्रेजरी है क्या? वही तो मेन है खास पेट्रा का, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ना। तो यहाँ से बाय वॉक 45 मिनट्स लगाता है वन वे। तो ठीक है, फेयर इनफ है। आई मीन रास्ता इतना भी टफ नहीं है। तो गाइस ये जो पेट्रा शहर है ये 312 में डिस्कवर हुआ था, 312 BC में, ठीक है, यानी कि आज से 2300 साल पहले नबाटियंस ने बनाया था। नबाटियंस ने इसको डिस्कवर किया था। अब बेसिकली नबाटियंस कौन थे? यमन और सऊदी अरब से आए हुए नोमैड, ठीक है। तो 2300 साल पहले वो इस रूट से आ रहे थे और उन्होंने इसको गढ़ बना दिया था। इनफैक्ट पेट्रा उनका कैपिटल था, नबाटियंस का कैपिटल था। अब क्यों उन्होंने ये कैपिटल बनाया? जाहिर सी बात है ना, इसका जोग्राफिकल लोकेशन इतना ज़बरदस्त है ना ये वैली कि क्या ही कहे। मतलब रेन वाटर तो अच्छे से प्रिजर्व होता है बिकॉज चारों जगह माउंटेन्स है, तो पानी अच्छे से स्टोर हो जाता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है गाँव या शहर बचाने के लिए। दूसरी चीज़ है जोग्राफिकल लोकेशन कि भैया इतनी कंट्रीज से सटा हुआ है कि अगर ट्रेड का, क्योंकि वो ट्रेडर्स थे नबाटियंस, ठीक है, नोमैड तो थे, साथ ही साथ ट्रेडर्स भी थे, गोल्ड सिल्वर सिल्क अन्य चीज़ों के। उस टाइम तो बार्टर सिस्टम चलता था ना, ये दे वो ले ये दे। तो उन्होंने ना ऐसी जगह चुनी ताकि के काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ ये जुड़ सके और काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ ये ट्रेड कर सके। क्या मस्त लग रहा है ना रास्ता। अरे ये घोड़ा नाचते हुए ऊपर आ रहा है, जोरदार है। पुलिस ये अभी इंजॉय कर रही है। हाँ शाबाश, वाह, लग रही है ना एकदम अलग दुनिया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ काफ़ी कंट्रीज के साथ ये जुड़ सके, फ्रॉम इंडिया, चाइना से लेकर अफ्रीका तक जुड़ सके और फ्रॉम यूरोप से सऊदी अरब तक जुड़ सके, बिकॉज सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर सीरिया से कनेक्ट होके, टर्की से कनेक्ट होके यूरोप से निकल सकता है, फिर इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। तो मतलब हर जगह से ये कनेक्ट हो सके और ट्रेड कर सके, जिसके कारण ये लोकेशन उनको बहुत अच्छा लगा था। तीसरा रीज़न है यहाँ का नेचर ऑफ रॉक, इतने हार्ड नहीं है, इतने टफ नहीं है, जिसके कारण वो लोग ईजिली कार्विंग्स कर सके और कुछ भी बना सके। तो वो रॉक का भी बहुत फ़ायदेमंद हुआ उनको, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई। चौथी चीज़ है एग्रीकल्चर कर सकते थे वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वो अच्छी खासी उपजाऊ है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो ये 4-5 रीजन है जिसके कारण उन्होंने सोचा कि यही अपना गढ़ बनाएंगे, और बहुत सही डिसीजन लिया यार। I mean, क्या मस्त है यार, गढ़ बनाने के लिए जगह है ना। ये कैरेजेस का आप कह सकते हो मार्किंग है, पहले कैरेजेस यूज़ करते थे ना जाने के लिए, वही घोड़ा गाड़ी वगैरह आप बोल सकते हो। पता नहीं स्क्रीन में आपको इतने कलर्स दिखेंगे कि नहीं, लेकिन सच कह रहा हूँ, ये रॉक्स में इतने सारे कलर्स हैं ना। ओए होए होए, लाइट रेड है, लाइट येलो है, लाइट ग्रीन है, हल्का सा ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, बहुत सारे कलर्स है। और इनफैक्ट पहाड़ का अपना जो कलर है लाइट गोल्डन, वो तो है ही है। वैसे गाइस ईमानदारी से बोलना, मैंने हिस्ट्री कैसे बताई जॉर्डन की, पेट्रा की, अच्छी बताई ना। अगर लगी अच्छी तो लाइक मार देना फटाफट। हालांकि वीडियो अब तक तो बाकी है, ट्रेजर ही देखना भी बाकी है, लेकिन फिर भी अभी क्या देता हूँ, लाइक कर दो वीडियो को। और अगर चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर देना सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत कम व्यूअर्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। मेरे को सब डेटा में पता चलता है, पहले ही बता रहा हूँ। एक बार ट्रेजरी के दर्शन हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन दूंगा। I mean, आप कैसे पेट्रा आ सकते हो, नो मैटर आप अमान में रह रहे हो, नो मैटर आप अकावा में रह रहे हो, नो मैटर आप ग्रुप टूर कर रहे हो, या फिर नो मैटर आप सोलो ट्रैवल करने की सोच रहे हो, सब बताऊंगा, ठीक है। So guys, after Taj Mahal in Agra, India, and Great Wall of China in China, ये मेरा थर्ड विजिट है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का, पेट्रा जॉर्डन। वैसे आप लोगों को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो पता ही होगा, है ना, कि भूल गए? अरे भाई, आगरा का ताजमहल हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, ये तीसरा हो गया पेट्रा, है ना, जॉर्डन का। चौथा, पांचवा, छठा, सातवा मेरे को पता है, रुको एक मिनट, चिचेन मैक्सिको का वो पिरामिड है दुनिया का सबसे पुराना, और फिर क्रिस्ट द रिडीमर, वो ब्राज़ील में है ना, ऐसा जो धूम 2 पिक्चर में देखा था। उसके बाद कोलोसियम इटली का, उसके बाद इजिप्ट का पिरामिड, पेरू का माचू पिचू है, ये मेरे को पता है। तो 8 मैंने गिना दिए, उसमें से 7 है, आप समझ लो। सो गाइज, ये है सबसे मेन हिस्सा पेट्रा जॉर्डन का, ट्रेजरी बोला जाता है इसको। 2300 साल पुराना है और रॉक कार्विंग से बनाया गया है, मतलब रॉक को तोड़ तोड़ के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है 1984 से। तभी से जॉर्डन की सरकार और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वालों ने यहाँ के लोग, मतलब आसपास जो भी लोग रहते थे, थोड़ा अलग कर दिया, बाहर की तरफ कर दिया। और बाहर तो पूरा आपको पता ही है गाँव बसा हुआ है। एनीवेज, ये 2007 से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा है। मुंबई, गोरेगांव। अच्छा, आप लोग कांदीवली रहते हो। वर्ल्ड कप, अच्छा, मुंबई में आ रहे हो, अच्छा, बढ़िया, बाय बाय। यहाँ पे लोग हाइकिंग करके ऊपर भी जाते हैं, जैसे कि आप वो देख रहे हो, उधर एक गए हैं, फिर वहाँ से और हाइकिंग करके उधर एक टॉप है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ट्रेल है, जो लोग हाइक करके ऊपर जाते हैं ताकि के उस तरफ से फोटो खींच सके इस जगह का। चलो हम भी ट्राई करते थोड़ा बहुत हाइकिंग करके ऊपर जाने की। शाबाश। भाई शाबाश, इधर बैठ के वीडियो फोटो लेने का अलग ही मजा, अलग ही क्रेज है। 1 दिनार चार्ज रहता है, जैसे ही आप एंट्री करते हो उसी टाइम आपसे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके आप फोटोज वीडियो जो मर्जी जितने मर्जी निकाल सकते हो। जैसे कि ये भी आई है फ्रॉम टर्की, ओ इस्तांबुल, राइट? या इज इट नाइस? First time, your first time. My name is Tanso. Tanso? Yes. Oh, nice name. Tanso from Turkey. Yes. Where are you from? I'm from India. Oh, good India. Yeah, good Turkey. मजेदार है एकदम। क्या मस्त जगह बैठे और क्या पीछे पेट्रा का अनुभव हो रहा है, ट्रेजरी का। हाइकिंग वैसे इजी है, कोई टफ नहीं है, छोटी सी हाइकिंग है, इजी है। और बता दूं कि थानसो जी ने मेरे को ये टर्किश नोट दी है एज अ गिफ्ट। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, 20 लीरा, टर्किश लीरा बोलते हैं ना। मैंने कहा कि नहीं चाहिए भाई गिफ्ट विफ्ट। उन्होंने बोला नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी सारे फोटोज़ भी खींचे ना, फिर मैंने उनको इंडियन करेंसी की नोट पकड़ाई। मेरे पास 20 रुपये की नोट थी, क्योंकि आजकल मैं 10 रुपया 20 रुपये की नोट लेके चलता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में। किसी को भी एज अ गिफ्ट देना हो या फिर कोई अगर मेरे से पैसा नहीं ले रहा है, जैसे कि चाइना के वीडियोज़ आपने देखे तो कुछ दुकान वाले मुझसे पैसे नहीं ले रहे थे, तो फिर मैंने इंडियन करेंसी पकड़ाई थी एज अ गिफ्ट। तो इस चक्कर में मैं आजकल 10 और 20 की नोटें ज़्यादा लाने लगा हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में। चलो अभी नीचे उतर गए तो इसके थोड़े और नज़दीक जाते, आई मीन यहाँ तो नो एंट्री है, मतलब अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जितना जा सकते उतना तो चले जाते हैं ना अंदर और देख लेते कि क्या सीन है भाई। ओए होए होए, तो पीछे ट्रेजरी है और अभी हम और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा और, क्योंकि टाइम है। जो गाइड ने हमें कहा है ना कि ये वक्त पे पर्टिकुलर आ जाना रेस्टोरेंट में बाहर एग्जिट के, तो और टाइम बचा है। मैंने सोचा और आगे की तरफ जाता हूँ, बिकॉज ऐसे तो पेट्रा बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट यहाँ के लोकल्स तो कहते हैं 1 हफ्ता चाहिए पेट्रा को अच्छे से घूमने के लिए, सारी चीज़ें कवर करने के लिए। इसका कारण ये है कि कुछ चीज़ें तो हाइकिंग से जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते, और 1-1 दिन की भी हाइकिंग की जगह है, सच कह रहा हूँ। तो इसराइल के वगैरह जो ग्रुप्स आते हैं ना, वो 1 दिन वाला हाइकिंग वाला वो लोग प्रीफर करते हैं, बिकॉज ऊपर उनके भगवान वगैरह है, श्राइन्स है, जिसके कारण वो लोग वो प्रीफर करते हैं। आई एम गुड हाउ आर यू? बढ़िया हाय। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्टारबक्स कैफे। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग यूनिक यार। ऐसा स्टारबक्स कैफे, ऐसी जगह पे स्टारबक्स कैफे, बहुत खूब। ये मतलब ओरिजिनल स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी है कि क्या है मेरे को पता नहीं, लिखा है इसलिए मैं आया हूँ अंदर, और लोग भी जा रहे, फोटो वोटो खिंचवा रहे। हालांकि अंदर तो दूसरी चीजें मिल रही है, आई मीन कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड वगैरह। हाँ ओके, स्टारबक्स की भी है कॉफी। वाह, जैसे जैसे और आगे आ रहा हूँ ना वैसे वैसे और खूबसूरत चीज़ें देखने का अनुभव हो रहा है, सच कह रहा हूँ। वो स्टारबक्स कैफ़े वगैरह की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे भी देख लो क्या मस्त चीज़ें हैं ना, सब इतनी पुरानी। वाह, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नाबाटियंस लोगों ने वाकई में पर्वत को खोद खोद के घर बनाए थे क्या रहने के लिए? आई मीन रॉक्स को आप ध्यान से देखोगे तो कार्विंग्स तो वैसी दिख रही है। इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। इसका कारण ये है कि एक वक्त ऐसा था 30,000 नाबाटियंस लोग यहाँ पे रहते थे, जिसके कारण ये जो भी आप देख रहे हो ये उनके घर ही समझ लो। और बता दूं कि आसपास में ना 30,000 टॉम्स भी है। जब लोग पहले मरते थे तो उनको कैसे बरी करते थे पता है? वाइट लिनन कपड़ा उड़ा के जो भी उनके सोने चांदी की चीज़ें हैं वो उनके साथ ही बरी करते थे, ताकि कि जब वो नेक्स्ट जन्म ले तो वो सोना चांदी के साथ जन्म ले, ऐसे इनकी सोच थी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ते गया वैसे वैसे गोल्ड डिगर्स आते गए, हमले होते गए, और खोद खोद के बॉडी से सोना चांदी सब कुछ निकाला गया। वैसे इतनी हिस्ट्री मुझे कैसे पता? अरे भाई साहब, मैंने ग्रुप टूर लिया ना, तो उसमें बस में आने के वक्त गाइड भाई ने सारी चीज़ें बताई थी। इस ग्रुप टूर की अगर बात करूँ तो मेरे को लगा $190 के आसपास, जो कि 15,500 रुपया होता है, उसमें 50 जॉर्डेनियन डिनार का ये टिकट भी इंक्लूडेड है जिसका एंट्री फ़ी है। नो मैटर आप ग्रुप टूर लो, नो मैटर आप सोलो ट्रैवलर हो, जैसे भी आना चाहो 50 डिनार तो आपका लगना ही है। अगर आपके पास जॉर्डन पास है, जो कि मैंने कहा ना फर्स्ट वीडियो आपने देखा ही रहेगा इंडिया टू जॉर्डन का, जिसमें मैं समझाता हूँ कि अगर आप जॉर्डन पास 70 डिनार का लेते हो ऑनलाइन भी, जिसमें ई वीज़ा भी आपको मिलता है जॉर्डन का, तो मैं यही कह रहा था कि 70 डिनार का अगर जॉर्डन पास लेते हो तो आपको ये फ्री टिकट मिल जाती है एंट्री। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो या फिर डायरेक्टली आते हो जैसे कि मैं आया हूँ, तो आपको 50 डिनार की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 6,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। अभी अमान से आओ या अकाबा से आओ, आपका आना जाना JETT पब्लिक बस, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था, वो 10 डिनार पर वे का चार्ज है, तो आपका 20 डिनार आना जाने का लगेगा। मतलब आप पकड़ के चलो 8,000 साढ़े 8,000 रुपया ऐसे लगना है। ठीक है टोटल। आप अगर पेट्रा टूर खुद से भी करना चाहते हो, गाइड वगैरह लो नहीं लो, अभी तो क्या ही लोगे बिकॉज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो लेकिन मैंने जो 15,500 का पैकेज लिया है वो पिकअप ड्रॉप सब इंक्लूडेड है मेरे होटल से, पहली बात। दूसरी बात लंच इंक्लूडेड है, गाइड सर्विस मिला था जो कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। उसके बाद कुछ भी ₹1 भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ है, अभी बस लंच वगैरह करेंगे। फिर जाने के वक्त भी वादी रम जो कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है जॉर्डन में, हालांकि मैंने वो अलग से कुछ बुकिंग नहीं किया है बिकॉज हाथ में इतने दिन नहीं है, तो वादी रम का एकदम प्राइवेट टूर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बस वालों ने कहा है, ये टूर वालों ने कहा है कि हम लोग आपको वो भी दिखा देंगे जाने के टाइम। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई कि कैसे आप पेट्रा को अनुभव कर सकते हो और कितना खर्चा जाता है आपका पेट्रा आने का। और अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो समर्स में शाम के 7 बजे तक ये खुला रहता है और विंटर्स में शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आना ही ठीक है, 8-9 बजे। एक और चीज़ बता दूं कि इस पेट्रा में आप एक रात रुक भी सकते हो, हॉस्टल्स होटल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त आपका 50 दिनार नहीं लगेगा, आपका 55 दिनार लगेगा एंट्री टिकट, क्योंकि आप 2 दिन का ले रहे हो ना, वही बात है। अभी अपन भी निकलते हैं वापस एंट्री की तरफ, क्योंकि लिए एग्जिट भी वहीं से होता है और 1 घंटा हमको भी अभी लग ही जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो भाई साहब हमने 75% ऑफ दी रोड पार कर लिया, सिर्फ 25% ही बचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स हो जाता है लोगों के साथ। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप आ रहे होते हो ना, तो काफ़ी लोग आपसे पूछते हैं कि डू यू वांट अ हॉर्स। सिर्फ 25% के लिए आप बोलोगे कि क्या ही हॉर्स ले ना, फिर वो लोग बोलोगे नो इट्स फ्री, इट्स इंक्लूडेड इन योर टिकट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो फिर लोग बैठते हैं और जब एंड में एग्जिट में उतरते तब ये लोग ज़बरदस्ती से टिप मांगते हैं, 10 दिनार 15 दिनार ऐसा कुछ। तो वो मतलब स्कैम ही हो गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता दूँ। वैसे भूख भी बहुत तेज़ लगी है, अब पता नहीं कि वेजिटेरियन के हिसाब से ये लोग लंच में क्या ऑप्शन देंगे। मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ बहुत लिमिटेड ही होगा, हालांकि मैं कुछ लाया था वो मैंने बस में ही खा लिया आने के टाइम, खाकरे वाकरे लाए थे और नारियल पानी का वो सैशे रहता है जो पानी में डाल के हिला के मस्त पी लिया था। फिर भी अभी भूख तो लगी है यार। वेजिटेरियन ऑप्शन जितना सोचा था उससे तो अच्छा निकला यार। वेजिटेरियन ब्रेड्स मिल गए, जितना मर्जी आप बुफे सिस्टम ही है, उधर नॉन वेज का है इधर वेज का है, ठीक है। तो ये ब्रेड मिल गया, उसके बाद रायता है, उसके बाद दही है, उसके बाद थोड़ा सा चटनी है, सैलेड है और चिक पीस वो चने का जो कि फेमस है जॉर्डन में, हमस चिक पीस ये सब यहाँ का फेमस है। बस तो 1 घंटे की ड्राइव और बची है और हम पहुंच जाएंगे बैक टू अकाबा, जहाँ से हमने ये जर्नी की शुरुआत करी थी आज सुबह। हालांकि छोटे वैन से जर्नी स्टार्ट करी थी और जो ड्रॉप होगा हिल्टन होटल के आसपास वो हमारा ये लग्जरी बस में होगा। अभी ये 10-15 मिनट का ब्रेक रखा गया है ताकि कि जिसको शॉपिंग करनी है सोवेनियर शॉप से वो कुछ खरीद सकता है। और ये वादी रम का इलाका ही है, हालांकि मैं प्रॉपर वादी रम में नहीं एंटर कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी अलग फन है, अलग मज़ा है, लेकिन टाइम नहीं है इतना मेरे पास। और वादी रम भी एक मस्ट विजिट प्लेस है जॉर्डन में, उसको मून कहा जाता है इनफैक्ट धरती का, बिकॉज काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ जिसमें मून वगैरह बताते हैं वो वहीं पे शूट हुआ है। इनफैक्ट जॉन विक 4 मूवी जो लेटेस्ट था उसमें भी कुछ सीन यहीं पे शूट हुआ था। तो अलग सा इफेक्ट है, कुछ सीजन्स में कुछ मौसम में ऐसा भी होता है कि रात में आप टेंट में रुके हो क्योंकि वहाँ पे टेंट में रुकने की भी सुविधा होती है, तो तारे टूटते हुए आपको बहुत दिखेंगे। एनीवेज ये क्या सीन है भाई, कुछ तो उग रहा है, चिबरिया विबरिया है क्या, ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं कोई तोड़ेगा कि भी नहीं। एनीवेज वही मैं सोचा कि थोड़ा बाहर आ जाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा इफेक्ट दिखा देता हूँ डेजर्ट का, वादी रम का किस हिसाब से होता है ना। बस अभी पहुँच जाएंगे बैक टू अकाबा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। मेरा पेट्रा का अनुभव, एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको नॉलेज शेयर की, जो हिस्ट्री बताई और जो अनुभव बताई इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही जुड़े रहोगे इस चैनल से और मुझसे, ताकि कि मैं और से और घूमकर अमेजिंग से दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस आपके सामने पेश करता रहूँ। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।